BOOM mm -hmm. आप सब लोग आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स तो यस मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपकी नई टैरो रीडिंग लेकर जिसमें हम यही देखेंगे कि ये जो आने वाला एक साल का टाइम पीरियड है 8 मार्च 2024 से लेकर आठ मार्च 2025 तक का इसमें टेन ऑफ कप्स और टेन ऑफ पेंटिकल्स की इस ब्यूटीफुल एनर्जी तक पहुंचने के लिए आप कौन से एक्शंस ले सकते हो ओके okay? तो बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज से हमने एनर्जीज़ uh, को मैसेजेस को चैनल किया है ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी मिले तो यस, ये जो रीडिंग है ये uh, आपको जरिया बताएगी आपको रास्ता दिखाएगी कि आप टेन ऑफ कप्स और टेन ऑफ पेंटिकल्स को कैसे पा सकते हैं सूर्जा को कैसे आने वाले एक साल के बाद ये एनर्जी आपकी रियलिटी बन सकती है बेसिकली ओके okay? तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस रीडिंग के लिए और आज की रीडिंग के लिए दो ऑप्शन्स हैं आपके पास अमूमन तीन होते हैं लेकिन इस रीडिंग के लिए दो ऑप्शन्स रखे हैं क्योंकि मैं इन्फिनिटीज़ की एनर्जीज को चूज़ करना चाहती थी तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए दो दो ऑप्शनस हैं दो तरीके से आप पायल को चूज़ कर सकते हैं एक तो है कि अगर आपको अपनी बर्थ डेट के हिसाब से देखना है तो यस yes, ये रीडिंग आप देख सकते हैं बर्थ डेट के सारे ऑप्शन मिल जाएंगे अगर आपको इंट्यूटिवली कार्ड्स को पिक करना है तो आपके लिए मैंने दो कार्ड्स रखे हैं नंबर वन पर है हमारे पास मैजिशियन की इंफिनिटी ये पाइल नंबर वन का ऑप्शन है मजिशन की इंफिनिटी और पाइल नंबर टू के लिए है द स्ट्रेंथ कार्ड की इंफिनिटी ओके सो ये दो ऑप्शंस आठ की एनर्जी डबल एनर्जी इसीलिए मैंने सिर्फ दो पाइल्स रखे हैं पूरी रीडिंग को मैंने बहुत इंटेंशनल uh, एनर्जी से भरा हुआ है गाइस तो यस होपफुली इस रीडिंग से आपको ढेर सारी इंसाइट्स और गाइडेंस मिलेगी तो यह है पायल नंबर वन ये है पायल नंबर टू और बर्थ डेट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी तो आप अपनी रीडिंग को देख सकते हैं इसी के साथ बिग 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 अनाउंसमेंट और वो ये है कि ट्वेंटी ऑफ मार्च से मेरा एट्थ टेरो कोर्स शुरू होने वाला है देखिए इस महाशिवरात्रि की कितनी मतलब पावरफुल एनर्जीज़ है है ना कि सब आठ 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 जुड़ रहा है तो मेरा कोर्स का जो नंबर भी है वो बेसिकली एट्थ कोर्स है ये मेरा टेरो uh, कोर्स मैं पहले सेवन कोर्सेज कर चुकी हूँ और बहुत सक्सेसफुली हमने उन वर्कशॉप्स को किया है तो यस yes, ये एट्थ वर्कशॉप है एट्थ टेरो कोर्स ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ मार्च से शुरू हो रहा है तो अगर आप मुझसे टेरो सीखना चाहते हैं टेरो के सिम्बलिज़म को समझना चाहते हैं टैरो एक बहुत गहरा टूल है गाइज यू you नो know, बहुत ही गहरा टूल आ, इसकी बारीकियों को अगर आप समझना चाहते हैं हील होना चाहते हैं टेरो के साथ एक डिवाइन कनेक्शन बनाना चाहते हैं तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं इस एट टेरो कोर्स के लिए और उसके लिए आप मुझे ईमेल करें आई एट जी मेल डॉट कॉम पर ओके सो यस मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी और मेरे ख्याल से अब हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर जय हो मंगल हो हाय पायल वन वेलकम टू योर रीडिंग तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर वन को चूज़ किया है लेट्स ये जो आने वाला एक साल का पीरियड है इसमें आप टेन ऑफ कप्स और टेन ऑफ पेंटिकल्स तक पहुंचने के लिए कौन से एक्शंस ले सकते हो ओके okay? सबसे पहले हम आपकी हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए इस जर्नी के बारे में क्या मैसेजेस हैं इसे देखेंगे सो लेट्स पायल नंबर वन थैंक यू नंबर no. वन की हायर सेल्फ की तरफ से उनके लिए क्या मैसेजेस हैं? हम्म पहला मैसेज है सीइंग पॉजिटिव और दूसरा मैसेज है नॉलेज एंड विजडम बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस ऐसा लगता है कि पहले तो आपकी हायर सेल्फ आपको एक बेटर पर्सन बनते हुए देखना चाहती है उसके उसके उसे वो पोटेंशियल नजर भी आ रही है जैसे यहां पर भी आप फोकस की नजर की ऊर्जा को देख सकते हो राइट right? तो ये ऐसा आपकी हायर सेल्फ चाहती है आपसे कि आप एक बेटर ह्यूमन बीइंग बने एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनने से ही आप ऑटोमेटिकली ऊर्जाओं को अट्रैक्ट कर पाओगे ओके okay? जो स्पेसिफिक मैसेजेस हैं उनमें पहला मैसेज ये है सीइंग द पॉजिटिव आपकी हायर सेल्फ़ चाहती हैं कि आप जो भी आपके जीवन में हो रहा होता है आप उसमें पॉजिटिव ढूंढने की या देखने की एटलीस्ट कोशिश करें हालांकि ये हर हर एक्सपीरियंस में मुमकिन नहीं होगा कभी कभी कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस हमसे किसी और यू नो फोकस की या किसी और लेंस की डिमांड करते हैं तो यहां पर आपकी हायर सेल्फ आपको हर एक्सपीरियंस में इस एनर्जी को थोपने को नहीं बोल रही बल्कि ज्यादातर जो एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसमें गुंजाइश है किसी पॉजिटिविटी को देखने की किसी पॉजिटिविटी को समझने की डेफिनेटली वहां पर अपने इस एफर्ट को लगाएं ओके okay? पहला प्रयास आपको यही करना है खुद से यही पूछना है कि ये जो भी हो रहा है मेरे साथ इसमें पॉजिटिव क्या है और इनकेस आप उसमें कुछ भी पॉजिटिव डिटेक्ट नहीं कर पा रहे विच मीन्स कि जो भी आप डिटेक्ट कर पा रहे हो आपको उसके ऊपर ध्यान की जरूरत है ओके इट्स जस्ट की आपकी हायर सेल्फ कह रही है कि पहला फोकस आपका पॉजिटिविटी होनी चाहिए दूसरा मैसेज नॉलेज एंड विजडम का तो इससे आपकी हायर सेल्फ कह रही है अपने आप को और नॉलेजेबल बनाने के लिए एक्शंस लो और वाइज बनो ओके okay? जितना आप अपने लिए इस तरीके से एक्शन लोगे या अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट लगाओगे जिससे कि आप और यू नो इंटेलिजेंट बन सके नॉलेजेबल बन सके उतना ही आपके लिए आसान होगा टेन ऑफ कप्स की और टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी तक पहुंचना ओके okay? तो किताबें माँ सरस्वती की ऊर्जा सीखना स्किल्स कौन सी रॉ स्किल्स हैं जिनको आप पॉलिश कर सकते हो कौन सी वो वो चीज़ें हैं जो आपको भी और निखारने की जरूरत है उनको निखारें उनको निखारने के प्रोसेस से आपको और नॉलेज मिलेगी और विस्टम मिलेगी ओके okay? इसी से ही हम देखते हैं कि आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इस जर्नी के बारे में आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं लेट्स पाइल नंबर वन पाइल नंबर वन का सबकॉन्शियस माइंड उनको इस जर्नी के बारे में क्या मैसेजेस देना चाहेगा जेम कैरोस The oh, the Siren. Okay. <laughs> बहुत ही क्लियर मैसेज है टू बी ऑनेस्ट ये मेरे लिए क्योंकि यहाँ पर आपका सबकॉन्शियस माइंड मुझे आपका कैसा बिलीव सिस्टम दिखा रहा है जो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली लाइन से आप, आपको मिला है और वो ये बिलीव सिस्टम है कि मेरे में चाहे कितने भी गुण क्यों ना हो मेरे में चाहे कितनी भी कला क्यों ना हो ईमानदारी क्यों ना हो सच क्यों ना हो बहादुरी क्यों ना हो इसके बावजूद मेरे जीवन में यू नो सक्सेस को पाने के लिए या फिर विक्ट्री को पाने के लिए मुझे कॉन्टीन्यूसली एवरेज पर्सन से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ओके okay? ये मैसेज है बेसिकली तो कहीं ना कहीं पायल नंबर वन वाले ये जानते हैं कि वो एक खरा सोना है यू you नो know, एक चमकता हुआ चमकता हुआ हीरा है लेकिन इसके बावजूद आई थिंक आपकी फैमिली लाइन की वजह से कहीं ना कहीं कुछ ऐसे चैलेंजेस आपने इस गुण के बारे में डेवलप कर रखे हैं कि हाँ क्योंकि मुझ में गुण है इस वजह से मुझे ये कष्ट मिलेगा ही मिलेगा ये चैलेंजेस मिलेंगे ही मिलेंगे मेरी जर्नी इतनी आसान नहीं है यू you नो know, मैं मेरे पास इतने सारे टैलेंट्स होने के बावजूद भी मेरा रास्ता इतना स्मूथ नहीं है राइट right? ये जो बिलीव सिस्टम है आपका ये आपका सबकॉन्शियस माइंड चाहता है कि आप ठीक करें ओके okay? यहाँ एक सेल्फ सेबोटाज की भी एनर्जी मुझे दिख रही है तो हो सकता है कि पायल नंबर वन वाले ऐसे लोग भी हों जो खुद को बहुत ही क्रिटिसाइज करते हैं इनको कॉम्प्लीमेंट्स लेने नहीं आते आम, या फिर आप बहुत जैसे परफेक्शनिस्ट, इन्हों कि कोई ना कोई कमी ढूंढते रहना अपने काम में अपने किसी प्रोजेक्ट में आपने कुछ बनाया है अगर उसी खाने को आप क्रिटिसाइज करने लगते हो जैसे यहाँ पर कुकिंग दिख रही है राइट सो so, ये मत करो ओके okay? खुद को क्रिटिसाइज़ मत करो आपके अंदर जो गुण है उसे एज इट इज़ ही देखो उसे वैसे ही दिखो जो जैम होता है वो चमकता है उसकी डेस्टनी चमकने की है you नो know, उसकी उसकी जो डेस्टनी है वो रॉयल है तो आपको इसको ऐसे स्टोरी लाइन में ऐसे मिक्स करने की जरूरत नहीं है कि हाँ मैं टैलेंटेड तो हूँ लेकिन मेरे ये चैलेंजेस हैं क्योंकि मैं टैलेंटेड हूँ इस वजह से मेरे ये चैलेंजेस हैं यू you नो know, तो ये जो ये जो नैरेटिव होते हैं इसको आपको चेंज करना होगा आप लकी हो आप रॉयल हो आपकी बिग डेस्टनी है आप एक खरा सोना हो और इसके चलते आप अपनी कामयाबी तक जरूर पहुंचोगे ये आपका बिलीव सिस्टम होना चाहिए पायल वन यही वो ऊर्जा है जो आपको यहां तक पहुंचने में मदद करेगी ओके okay? एक मुझे बिलीव सिस्टम यह भी दिख रहा है और ये चैनल्ड मैसेज है पायल वन कहीं ना कहीं आपको यह भी लगता है कि क्योंकि आप, आप एक खरा सोना है आप, आप में बहुत सारे टैलेंट्स इनटबिलिटीज हैं तो मूमन लोग आपसे नफ़रत करेंगे अमूमन लोग आपसे जलेंगे या अमूमन लोग आपके साथ कंपटीशन करेंगे हालांकि ये बात बहुत हद तक सच होती है लेकिन पूर्ण तरीके से सच नहीं होती मुझे ऐसा लगता है कि आपका एक बहुत ही ऐसा डार्क बिलीफ सिस्टम है कि जहाँ पर आपने थोड़ा शाइन करने की कोशिश की जहाँ पर आपने अपना टैलेंट शेयर किया वहीं पर आपने टॉक्सिक लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया ये बिलीफ सिस्टम भी आपको ठीक करना होगा ओके okay. आपको अपने आप को ये शब्द फीड करने होंगे ये बातें बोलनी होंगी कि जब मैं अपने टैलेंट्स को शेयर करता हूँ तब तब मैं अपनी सोल फैमिली से मिलता हूँ मैं अपने सोल फ्रेंड्स के साथ कांटेक्ट में आता हूँ मैं ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करता हूँ जो जेन्यली मेरे मेरे जो टैलेंट्स हैं जो एबिलिटीज़ हैं गिफ्ट्स हैं उनको अप्रीशिएट करें मेरे एडमायरर्स हैं यू नो मेरी प्रशंसा करने वाले लोग हैं ये बिलीफ सिस्टम भी आपको इसकी इसको भी डेवलप करना होगा अगर आपको यहाँ तक पहुंचना है ओके ना लेट्स सी फाइल नंबर वन आपकी इमोशनल बॉडी बेसिकली इस जर्नी के बारे में आपको क्या कहना चाहती है थैंक यू फाइल नंबर वन की इमोशनल बॉडी उनको क्या मैसेज देना चाहेगी स wow. so, आपकी इमोशनल बॉडी को ना बेसिकली वो ये मैसेज दे रही है कि खुशी खुशी का एहसास हैप्पीनेस हैपी रहना यू नो स्माइल स्माइली फेस अपना पूरा रखना यू you यूनो know, खुश रहना बेसिकली यही वो ऊर्जा है जो आपको ये हाई वाइब्रेशनल ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करने में मदद करती है ओके okay? तो आपकी इमोशनल बॉडी कह रही है कि जब भी तुम कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हो जो अल्टीमेटली टेन ऑफ कप्स की एनर्जी है या टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है तुम्हें सबसे ज्यादा हैप्पीनेस की एनर्जी को चैनल करना चाहिए हैप्पी थॉट्स के बारे में सोचो अपनी हैप्पी मेमोरीज के साथ जो पास्ट में रही हैं उनके साथ कनेक्ट करो उनके ऊपर मेडिटेट करो और उसी के साथ जो तुम्हारे नए विजन्स हैं जो तुम्हारी नई रियालिटी तुम क्रिएट करना चाहते हो तुम उसे क्रिएट कर पाओगे ओके okay, तो हर आ, हर मैनिफेस्टेशन के लिए एक इमोशनल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी लगती है राइट right? तो आपके लिए वो हैप्पीनेस है ओके ना लेट सी आपकी जो ब्लड लाइन है उसकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं थैंक यू मैं ये कार्ड लूंगी यूनियन पावर आपकी ब्लड लाइन की तरफ से बेसिकली ये एक मैसेज है कि आम, पावर ये जो ऊर्जा है यू नो पावर कि मेरे पास एक पावर है जिसके चलते आ, मैं जैसे चाहूं अपनी लाइफ को शेप कर सकता हूं मोल्ड कर सकता हूं गुलाई दे सकता हूं राइट कहीं ना कहीं आई थिंक इस पाइल की ब्लड लाइन में इस एनर्जी की कमी रही है बहुत हेल्पलेस महसूस करना या फिर आ, पावर नहीं है मेरे पास यू नो मेरे पास मुझे कहना बहुत है लेकिन मैं कह नहीं पा रहा हूँ या मैं अपनी बात नहीं रख पा रहा हूँ मेरे ऊपर दूसरों का प्रेशर है कोई है जो मेरे ऊपर धौंस जमाने की कोशिश करता है जैसे ये ये ट्रामा रहा है कहीं ना कहीं इस पायल की ब्लड लाइन में तो आपकी ब्लड लाइन की तरफ से यही मैसेज है कि आपको इस ट्रामा को ट्रांसमिट करना होगा आपको पायल नंबर वन पावर के साथ यूनियन में आना होगा ओके ये जो ऊर्जा है कि मेरे पास पावर नहीं है मैं मैं कुछ नहीं कर सकता मैं एक हेल्पलेस पर्सन हूँ मेरे हाथ में क्या है ये जो नैरेटिव भी है ना ये भी आपके लिए ऐसे ब्लॉकेजेस को क्रिएट करते हैं जो टेन ऑफ कप्स और टेन ऑफ पेंटिकल्स तक आपको पहुँचने नहीं दे रहे तो ब्लड लाइन हीलिंग से आई मीन ब्लड लाइन से आपकी यही मैसेज है कि पावर को क्लेम करो पावरफुल बनो जब भी आपको माइंड में ये बात आती है कि यू you नो know, uh, मेरे ऊपर कोई धॉन्स जमाने की कोशिश कर रहा है उससे एड्रेस करो वहाँ से अपनी पावर को कॉल बैक करो सामने वाले को पता लगने दो कि नो आपका मेरे ऊपर यू नो आप मेरे ऊपर कोई धॉन्स नहीं जमा सकते राइट right? मैं एक पावरफुल ह्यूमन बीइंग हूँ रिस्पेक्ट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है लोगों को खुद को रिस्पेक्ट करने दीजिए पायल नंबर क्योंकि जितना ये होगा उतनी आपकी पावर बढ़ेगी उतना आपका बढ़ेगा ये लीडरशिप एबिलिटी के बारे में भी हो सकता है तो कुछ लोगों को अपने खुद के अंदर जो लीडर छुपा बैठा है आपके उसके साथ आपको यूनियन में आना होगा आपको अप्रोप्रिएट एक्शन लेने होंगे ऐसे डिसीजन लेने होंगे ऐसी चॉइसेस लेने होंगी जो आपको एक लीडरशिप रोल में टैप इन करने में मदद करें एक पावरफुल ह्यूमन बीइंग बनने में मदद करें अपनी फिजिकल बॉडी पर काम कीजिए अपनी इम्यूनिटी को इनक्रीज कीजिए पावरफुल बनिए अगर आपका यू नो बॉडी बहुत कमजोर है तो अपनी बॉडी पर काम करो उसे पावरफुल बनाओ ओके okay? एक्सरसाइज करो अच्छी डाइट लो जितनी बॉडी में पावर बढ़ेगी जितना पावर के साथ यूनियन में आओगे उससे एक ऐसा वर्जन आपका बनता चला जाएगा जिसके लिए इन चीज़ों को अट्रैक्ट करना तो बाएं हाथ का बाई हाथ का खेल होगा ओके सो येस जितना हो सके पावरफुल बनो ओके लेट्स सी फाइल नंबर फाइल नंबर वन डिवाइन टेरो की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस जर्नी के बारे में वन मोर टाइम प्लीज टू ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चूर फोर ऑफ वॉर्स एंड टेन ऑफ कप्स आपके लिए डेफिनेटली टेन ऑफ कप्स की एनर्जी है इस आने वाले एक साल में पाइल नंबर वन बॉटम ऑफ द डेक में भी टेन ऑफ वॉन्स की एनर्जी है तो मुझे ऐसा लगता है कि टेन टेन की एनर्जी आपके लिए है टेन ऑफ कप्स तो डेफिनेटली आपकी डेस्टनी का हिस्सा है आने वाले वन ईयर की ये जो जर्नी जो जो है टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बेसिकली जो इसकी स्पेस है वो इसने ले रखी है तो अगर आपको टेन ऑफ पेंटिकल्स भी चाहिए तो डिवाइन टैरो आपको ये बेसिकली गाइडेंस दे रहे हैं कि ये जो ऊर्जा है इसको जाना होगा ओके okay, ये क्या है टेन ऑफ वॉर्न क्या है एक थकी हुई ऊर्जा एग्जॉस्टेड सारे काम खुद ही कर रहे हो सारी जिम्मेदारियाँ अपने ऊपर यू you नो know, ले रखी हैं और खुद को आप उतनी रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे जितना आपको देने की जरूरत है मुझे थर्टीन थर्टी वन भी दिखा मेरर नंबर तो अगेन रीबर्थ की एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी तेरह नंबर की राइट सो यस ये एनर्जी को जाना होगा ये एनर्जी गई तो ये एनर्जी आएगी इस फाइल में कुछ लोगों को ये भी ये भी बिलीव सिस्टम हो सकता है कि पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है जितना मतलब आप हार्डवर्क करोगे फिर ही आपको जाकर कोई खुशी मिलेगी ये जो बिलीव सिस्टम है इसको जाने दो आप थका रहे हो खुद को आपको भी एक इजी सक्सेस मिल सकती है बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आई एम नॉट सिंह कि इजी सक्सेस को ही चेस करते रहो लेकिन इस फाइल की ये दिक्कत है कि आपको लगता है कि आपको कभी भी इजी सक्सेस नहीं मिल सकती आपको जरूरत से ज्यादा एक एवरेज पर्सन से ज्यादा मेहनत करनी होगी थकाना होगा खुद को डबल शिफ्ट करनी होगी बॉडी को एकदम से तोड़ना होगा और फिर जाकर आपको कुछ अच्छा मिलेगा ये बिलीफ सिस्टम रॉन्ग है ये इसको ब्लॉक कर रहा है

ओके, सो डिवाइन की तरफ से जो पहला मैसेज है आपके लिए कि कहीं ना कहीं इस पायल को ये जो ऊर्जा है स्लो एंड स्टडी विंस रेस स्लो एंड स्टडी विंस रेस धीरे धीरे आगे बढ़ो धीरे आई थिंक आपने इसको बहुत स्ट्रेच कर दिया ओके okay? आपने इस इस ये जो ये जो ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट है कि हाँ स्लो एंड स्टडी विंस सुंदर कॉन्सेप्ट है लेकिन आपने इसको जरूरत से जरा स्ट्रेस मतलब इसको ऐसे स्ट्रेच कर दिया और उसकी वजह से जहां आपको एक्शन लेने की भी जरूरत होती है वहां पर आप एक्शन नहीं लेते तो इस फाइल को स्पीड मूवमेंट इन सब चीजों के साथ रेजोनेट होने की जरूरत है आप रेजोनेट हो रहे हो अभी वेट के साथ पेशेंस रखो अभी अभी और वक्त है अभी और इंतजार करो नो no, ये सारे कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट करो अगर किसी और रीडिंग में भी आपको ऐसे ऐसे मैसेजेस मिलते हैं तो उनको रिजेक्ट करो खुद से कहो कि ये मैसेजेस मेरे लिए नहीं है मेरे लिए स्पीड है मेरे लिए हैप्पीनेस है मेरे लिए मूवमेंट है मेरे लिए एक्शन है अब मुझे और वेट नहीं करना यू you नो know, कि मैं अच्छी चीज़ों के लिए अभी और वेट करूँ नो मैं पेशेंस को रिजेक्ट करता हूँ ओके okay? मैं यहाँ पर अपने लिए पॉजिटिव चेंजेस में पॉजिटिव एक्शन को क्लेम करता हूँ जो रिधम मेरी लाइफ का होना चाहिए वो रिधम में मैं आने को को अपने आप अब अलाउ करता हूं, करता क्लेम ओके सो पर जरूरत से ज्यादा से जो स्लो एनर्जी है आप उसके साथ रेजोनेट होते हो ये मत कीजिए ये मत कीजिए क्योंकि इसके चलते जो सामने आपकी इतनी एक्सपेंसिव एनर्जी है आप उसको उसमें जा ही नहीं पाते हो थ्री ऑफ वॉन्स है क्या यहाँ पर टू ऑफ सीधा जाकर फोर ऑफ वॉर्स है एक्सपेंशन आपके सामने खड़ी है लेकिन वो एनर्जी आ ही नहीं पाती ओके सो रेजोनेट होना बंद करना होगा आपको आप ही गोल 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 घूम रहे हो इस चीज में दूसरी तरफ आप डिवाइन भी बोल रहे हैं कि एक हैप्पी फैमिली एक हैप्पी रिलेशनशिप एक हैप्पी इनर चाइल्ड ये सारी पॉसिबिलिटीज आपके लिए हैं विश्वास करो विश्वास करो पाइल नंबर वन हैप्पी मैरिज हैप्पी रिलेशनशिप हैप्पी फ्रेंडशिप्स हैप्पी यूनियन हैप्पी इनर चाइल्ड ये सब है आपके लिए अगर आपको लगता है कि मेरे तो कभी भी ट्रॉमा ठीक नहीं होंगे मुझे कभी हैप्पी रिलेशनशिप नहीं मिलेगा नो आपको इस ऊर्जा को जाने देना होगा आपके लिए ब्यूटीफुल हैप्पी रिलेशनशिप है आपका इनर चाइल्ड हील हो सकता है वो हैप्पीनेस की एनर्जी में टैप इन कर सकता है आपके लिए हैप्पी मैरिज हैप्पी रिलेशनशिप है फ्रेंड्स हैं सुंदर घर कुछ लोगों को अगर यह भी लगता है कि उनको घर नहीं मिल सकता घर का सपना उनके लिए बहुत बड़ा है नो आपके लिए एक हैप्पी ब्यूटिफुल होम है लेकिन बस डिवाइन टैरो कह रहा है आपको बिलीव करना होगा डाउट मत करो डाउट मत करो कि ये कैसे होगा हाउ पार्ट को जाने दो मिलेगा जरूर मिलेगा ओके ब्यूटिफुल रीडिंग पायल नंबर वन मैं यहां पर अब आपके लिए ये चेक करना चाहूंगी कि ये जो आने वाला एक साल का पीरियड है इसमें कौन से मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं ओके सी ओके सो हमारे पास है मैं जो भी आने वाला है फिर है हमारे पास दिसंबर फिर है जनवरी ओके सो मे दिसंबर 2024 का और 2025 का जो पहला महीना है जनवरी ये तीन महीने इस आने वाले वन ईयर के साइकिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं ओके लेट्स इसमें आपको कौन सी ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं थैंक यू We, we well right? so बहुत सारी खुशियां हैं इसमें और वेल well बींग से मुझे आपकी फिजिकल बॉडी की भी हीलिंग दिख रही है यू विल रिसीव अ गिफ्ट इन महीनों में से किसी एक महीने में या तीनों के तीनों महीनों में आपको कोई गिफ्ट रिसीव हो सकता है द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफुएशन इज ओवर तो जो भी आपकी परेशानियां इस समय को देखते वक्त हैं वो इन महीनों तक आते आते एंड हो जाएंगी ओके okay? और मैं यहाँ पर अगेन टेन ऑफ कप्स की ही रेनबो की एनर्जी देख रही Beautiful. अब ब्यूरो देखते हैं कि ये जो टेन टन की एनर्जी है टेन टन की ऊर्जा ये आपके लिए किस तरीके से अनफोल्ड होगी अगर आप ये पूरा एक्शन ले लें ये पूरा काम अगर आप कर लें ओके सो लेट्स पहले है वेब की एनर्जी इसके ऊपर लिखा है प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल तो जो भी आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जी यू नो भेजी जाती है जिसको, जिसको लेकर आप अवेयर भी नहीं होते जैसे नज़र लगना हो गया या ऐसे जो भी कॉन्सेप्ट हैं साइकिक अटैक्स वगैरह उससे आपको एक प्रोटेक्शन मिलेगी ओके okay? ये टेंट की एनर्जी बेसिकली आपके लिए एक ऐसी ऊर्जा क्रिएट कर रही है जहाँ पर आप प्रोटेक्टेड हो आपका और प्रोटेक्टेड है ओके okay? राइट पैथ रिगिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ कंटिन्यूस फीलिंग में टैप इन करते रहना कि मैं सही पैथ पर हूं मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है ब्यूटिफुल विश fulfillment की एनर्जी प्रॉस्पेरिटी एंड abundance आएगी ये 10-10 की एनर्जी इस तरीके से अनफोल्ड होगी अ गोल oriented पर्सन आप बहुत फोकस रख पाओगे यू you नो know, अगर आपने कोई इरादा बनाया है तो आप उसे मुकम्मल उसे पूरा कर पाओगे यू you know, नो गोल्स को पूरा कर पाओगे फिर से मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस विनिंग और विनफॉल सो मनी बहुत बड़ी ऐसे लग रहा है कि मनी बहुत आपके लिए आएगी यू you नो know, ये टेन टेन की जो ऊर्जा है उसके चलते और फाइनली है ग्रेट गुड फॉर्च्यून लक का एहसास होना कि मैं लकी हूं यू you नो know, मैं लकी हूं मैं लकी हूं मैं लकी हूं जैसे ये ये जैसे आपको कॉन्टिन्यूसली एनर्जी महसूस होगी ओके ऑल राइट पाइल नंबर वन ये है आपकी ब्यूटीफुल 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 रीडिंग प्लीज इसे लाइक like कीजिएगा अपनों के साथ शेयर भी कीजिएगा और साथ ही साथ ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ मार्च से मेरा एट्थ टेरो कोर्स आ रहा है गाइस इस साल का नंबर भी आठ है राइट आठ नंबर और ये जो रीडिंग है ये भी हमने आठ मार्च से लेकर 2024 से लेकर आठ मार्च 2025 तक के लिए की है तो इन्फिनिटी को ध्यान में रखते हुए बेसिकली ये जो कोर्स um, है हम उसको कर रहे हैं एट्थ बैच है बेसिकली ये मेरा तो अगर आप मुझसे टैरो सीखना चाहते हैं यू नो समझना चाहते हैं टैरो के सिम्बलिज़म को टैरो की गहराइयों को टैरो कैसे काम करता है टैरो बहुत पावरफुल टूल है यू नो इससे हम अपनी ह्यूमन साइकी के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं तो यस अगर आप सीखना चाहते हैं मुझसे टैरो तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं उसके लिए आप मुझे ई करें आई हिल टैरोट पर वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ओके पर्सनल सेशंस भी अवेलेबल हैं तो उसकी जानकारी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आप देख लीजिएगा थैंक यू सो मच मेरे साथ आज टाइम स्पेंड करने के लिए आप अपना ध्यान रखें टेक केयर बाय हाई पायल टू वेलकम टू य रीडिंग तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर टू को चूज़ किया है लेट्स ये जो वन ईयर का टाइम पीरियड है इसमें टेन ऑफ कप्स और टेन ऑफ पेंटिकल्स तक पहुँचने के लिए आप कौन से एक्शंस ले सकते हो ओके okay? हम सबसे पहले देखेंगे कि आपकी हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं सो लेट्स पायल नंबर टू थैंक यू Thank you very much. Feeling awe and dealing with fear. Hmm. आपकी हायर सेल्फ सबसे पहला मैसेज मुझे जो आपके बारे में बता रही है वो ये है कि आपके अंदर बहुत सारे एहसास दबे हुए हैं बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स हैं बहुत सारे ऐसे एहसास जो डॉर्मेंट पड़े हुए हैं, कभी जैसे चैलेंज चैनल चा, नहीं किए आपने जैसे काफ़ी लंबे समय से खास करके पायल नंबर टू वालों को अपना डर जो है अपने अंदर का उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है उसके साथ डील करने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं आपकी कुछ ऐसी शेडोज़ या हैबिट्स हो सकती हैं जिसके चलते आप अपने फियर को दबा देते हो या फिर आपको आप उसे मैनिपुलेट कर देते हो आप कहते हो कि नहीं नहीं ये डर नहीं है ये कुछ और है वो होता फियर है लेकिन आप उसे कोई और नाम दे देते हो तो आपकी हायर सेल्फ कह रही है सबसे पहले तुम्हें अपनी इस ये जो डॉर्मेंट एनर्जी है ये जो एहसास दबे पड़े हैं इनको सरफेस लेवल पर लेकर आना होगा इनको इनके साथ डील करना सीखना होगा ओके इसके लिए वो आपको एक रास्ता भी दिखा रही है यहां पर रास्ता है क्रियासिटी यहाँ पर रास्ता है बेसिकली कैसी ऊर्जा जिसे देख कर या जिसके साथ कनेक्ट करके आपको ऐसा लगे कि वाओ ये भी पॉसिबल है क्या वाओ ये भी हो सकता है क्या कभी कभी हम किसी जगह जाते हैं ना और वहाँ जाकर हम कुछ ऐसा देखते हैं कि हमें लगता है कि अरे ये कैसे बनाया होगा इन लोगों ने ये तो कितना इम्पॉसिबल लग रहा है राइट मैं एक बार म्यूज़ियम में गई थी डायनासोरस का म्यूजियम आ, म्यूजियम है यहाँ पर ड्रम हेलर में और हम वहाँ पर गए थे और म, जिस तरीके से वो म्यूज़ियम बना है उसके उसके चलते मेरी यही हालत थी <laughs> ये ना क्योंकि मैं बिलीव नहीं कर पा रही थी कि ये ये ढांचे ये इतने सारे स्ट्रक्चर्स जो है इन्होंने कैसे बनाए होंगे कितनी मेहनत लगी होगी ये कितना असंभव सा काम संभव किया यू you नो know? तो ऐसी ऊर्जाओं का आपको एक्सपोजर चाहिए और उसके चलते आपको कुछ ऐसी फैंसी एक्शन लेने की जरूरत नहीं है इस चीज़ की आसमान के साथ जुड़ें ओके तारों के साथ जुड़ें कॉस्मो के साथ जुड़ें चंदा मामा की एनर्जी के साथ जुड़ें सूरज की ऊर्जा के साथ जुड़े इस चीज़ की आकाश के साथ जुड़ना ओके okay, आकाश के एक्सपेंसिवनेस के साथ जब जितना आप जुड़ोगे उतना ही ये जो डोरमेंट एनर्जीज हैं ये बाहर निकलेंगे ये जो दबे हुए एहसास हैं ये बाहर निकलेंगे ये दबे हुए एहसास में आपके कुछ आंसू भी हो सकते हैं कुछ लोगों की चीखें हो सकती हैं वो एक दर्द भरा हुआ होता है ना हमें बस आपको उसको बाहर निकालना है ओके okay? उसके साथ डील करना है उसे प्रोसेस करना है और उसका रास्ता यहाँ पर यह है जहां पर आप कुछ ऐसा नोटिस करो जो इतना एक्सपेंसिव है कि आपका ईगो माइंड कहे कि ओ माय गॉड यू नो ये भी पॉसिबल है सो so, आपको जैसे वो एक शॉक की एनर्जी चाहिए जो आपको बेसिकली इस ऊर्जा को प्रोसेस करने में मदद करेगी ओके okay? इसे प्रोसेस करने से डेफिनेटली आप इस बात के ऊपर चल दोगे पायल नंबर पायल नंबर टू ओके ये मैसेज है आपकी हायर सेल्फ की तरफ से नाउ लेट्स सी आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बेसिकली इस जर्नी के बारे में आपको क्या कहना चाहती है सो लेट्स सी पार नंबर टू पाइल नंबर टू का सबकॉन्शियस माइंड द रिवर वाओ द टेम्पल हम्म ये पायल नंबर टू वाले मुझे बहुत स्पिरिचुअल लग रहे हैं ओके सी शैडो शैडो की बात बोली लिटरली एंड द मेडन आई थिंक आपका आपका ट्रामा रहा है पास्ट जो है आपका बेसिकली कहीं ना कहीं वो मेरे साथ यहां पर कनेक्ट आपका पास कनेक्ट कर रहा है मेरे साथ और आपके सबकॉन्शियस के ऊपर आपके पास का बहुत सारा प्रभाव है बहुत सारे बिलीव सिस्टम आपके अभी पास्ट में जो हाथ से हुए पास्ट पास्ट में जो एक्सपीरियंसेस हुए वहाँ से ही जैसे आ रहे हो ओके इस चीज के आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है अगेन डरना जैसे आपके सबकॉन्शियस माइंड में कैसे कुछ बिलीव सिस्टम है कि पास्ट में मान लीजिए आपको किसी से प्यार हुआ लेकिन वहाँ से आपको धोखा मिला तो अब आपका जो करंट वर्जन है वो कह रहा है कि मुझे फिर डर लग रहा है प्यार करने से इस वजह से यू you नो know, मैं नए रिलेशनशिप्स को येस yes नहीं कह पा रहा या मैं ओपन अप नहीं हो पा रहा मैं दोस्ती पे दोस्ती के ऊपर दोबारा ट्रस्ट नहीं कर पा रहा क्योंकि पास्ट में मुझे दोस्ती की वजह से बहुत सारा विश्वासघात मिला की जैसे आपका पास्ट का वर्जन आपके करंट वर्जन को कंट्रोल कर रहा है और ये जो बिलीव सिस्टम है इसे चेंज करना होगा आपका पास्ट पास्ट में है आपका पास्ट प्रेजेंट में नहीं है ओके okay? आपका पास्ट आपके प्रेजेंट को नहीं कंट्रोल कर रहा आप आजाद हो आप अपनी नई रियलिटी को क्रिएट कर रहे हो और आप हील हो सकते हो ये भी एक बहुत बड़ा नैरेटिव एक बहुत बड़ा बिलीव सिस्टम है जो इस पायल को एक्सेप्ट करने की जरूरत है सबकॉन्शियस लेवल के ऊपर ओके तो आपके लिए शैडो वर्क करना और पास्ट में जो भी हादसे हुए उनको क्लोजर देकर आगे बढ़ना ये भी आपको इस ऊर्जा तक पहुँचाएगा ओके okay, आपको अपना आपको अपने फियर के साथ आपको अपनी जो विश मिला जो आपको पॉइजन मिला लोगों लोगों से यू you नो know, आपको अब उससे आगे बढ़ने की जरूरत है कहीं ना कहीं उस विश की वजह से आपको लगा कि यही मेरी डेस्टनी है यही मेरी तकदीर है और आपने ओपन अप होना बंद कर दिया तो ये चीज़ को जाना होगा क्योंकि इस ऊर्जा के लिए यू आपको ओपन अप करना होगा अपने आप को आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ को नए लोगों को यस yes कहना सीखना होगा अगर आप डर में ही रहोगे तो नई चीज़ों को कैसे यू नो वेलकम कर पाओगे राइट सो येस इस बिलीव सिस्टम के साथ बैठो और इसे इसे इसकी जगह नए बिलीफ सिस्टम डेवलप करने की कोशिश करो कि येस yes, अब मैं हील हो चुका हूँ और अब मुझे आगे बढ़ना है और मैं नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए रेडी हूँ दूसरी तरफ यहाँ पर ये यह बहुत ही सीक्रेड एनर्जी है बहुत ही सीक्रेड हो सकता है कि इस पायल के साथ कुछ ऐसे भी हादसे हुए हों जहाँ पर जिन लोगों को आपने बहुत प्योर समझा बहुत इनोसेंट समझा या आपको लगा कि अरे ये तो भगवान का आदमी लगता है भगवान का बंदा लगता है ये ये थोड़ी हर्ट करेगा लेकिन उसी जिस जिसको आपने इनोसेंट के ना उसी ने आपको हर्ट किया या फिर जिस एक्सपीरियंस से आपको बहुत उम्मीदें थी कि ये तो ब्लेस्ड सिचुएशन है इसमें तो मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे लेकिन उसी के उल्ट आपको रिजल्ट्स मिले अगर वो भी एक्सपीरियंसेस आपने जिए हैं तो उसकी वजह से हो सकता है प्योरिटी फेथ इनोसेंस ये जो सारे शब्द हैं इनके ऊपर से आपका कहीं ना कहीं विश्वास हट गया या थोड़ा कम हो गया और ये भी एक वो ऊर्जा है जो आपको यहां पहुंचने में थोड़ी दिक्कत क्रिएट करती है ओके तो आपका सबकॉन्शियस माइंड यही कह रहा है जरूरी नहीं कि तुम अगर किसी ऐसे शख्स के साथ मिले कि जो दिखने में इनोसेंट था लेकिन फिर उसने आपको हर्ट किया दैट डज मीन कि सारी दुनिया ही वैसी हो गई ओके okay. दुनिया में आज भी प्योरिटी मौजूद है पवित्रता मौजूद है सेक्रेट रिलेशनशिप मौजूद है ट्रू लव मौजूद है अब भक्ति मौजूद है आपको अपने इस फेथ को दोबारा से रिस्टोर करना होगा कि दुनिया में आज भी अच्छाई मौजूद है अच्छे लोग मौजूद हैं ट्रू लव मौजूद है अब आज भी लोग मंगलसूत्र की या शादी की जो पवित्रता है उस पर विश्वास करते हैं सच्चा प्रेम करते हैं भक्ति करते हैं ओके okay, आपको इस तरीके से बेसिकली अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील करना होगा पाइल नंबर टू तभी आपके लिए इसके दरवाजे भी खुलेंगे ओके ना लेट्स सी आपकी जो इमोशनल बॉडी है ओके okay, आपकी इमोशनल बॉडी आपको इस जर्नी के बारे में क्या कहना चाहती है पाइल नंबर टू थैंक यू आई विल ऑनर द फिजिकल वेसल दैट इंश्राइन माय इनश्राइंस माय सोल सो एक चीज़ तो पक्की है पाइल नंबर टू तो वाले आई थिंक बहुत इमोशनल हैं ओके आई थिंक आपके आपने जो भी हेल्थ में प्रॉब्लम्स मैनिफेस्ट की वो सिर्फ इस वजह से की क्योंकि आपने आपके मन में बहुत प्योरिटी प्योरिटी थी विश्वास था लेकिन कहीं ना कहीं वो हर्ट हुए आप उस जर्नी में और उसकी वजह से जो भी आपको चोट लगी यू you नो know, आत्मिक तौर पर उसने आपकी बॉडी में बहुत सारे डिसईज़ को मैनिफेस्ट किया राइट right? तो आपकी इमोशनल बॉडी यहाँ पर बेसिकली यही कह रही है कि तुम्हें ये ग्रजेस यू नो ये जो धोखे से जो हमें सफरिंग मिलती है इस इसको जाने देना होगा ये जो विश्वासघात हुआ तुम्हारे साथ जो तुम्हारा दिल टूटा तो और तुम्हें यू you नो know, लगा कि यू you नो know, ये तो मैं नहीं डिजर्व करता लेकिन कहीं ना कहीं जब ये चीज़ें आपके साथ होती हैं तो आप थोड़ा सा कड़वाहट से भर जा भर जाते हो आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही क्यों हुआ यू you नो know, हम कोसने लगते हैं कहीं ना कहीं तो आपको इसको रिलीज करना होगा ओके okay? तो जितना आप अपनी हेल्थ को बड़ा मुद्दा बनाएंगे पायल नंबर टू हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए फिजिकल एक्शन या फिर स्पिरिचुअल एक्शन स्पिरिचुअल एक्शन में क्या क्या होता है कि हम फगिवनेस के ऊपर काम करते हैं जितना फगिवनेस के ऊपर काम करेंगे उतना ही जो बीमारियां लगी हैं वो हमारे शरीर को छोड़ने लगती हैं और हमारी बॉडी हील होने लगती है ओके okay? तो फगिवनेस के ऊपर काम करो और अगर आपको कोई मेडिकल हेल्प भी लेने की ज़रूरत है तो उसे भी लो अगर आपको फिज़िकली सिंपली मज़बूत भी बनना है स्ट्रांग बनना है यू नो हो तो जिम जिम जाना वॉक uh, करना एक्सरसाइज करना हेल्दी खाना खाना इस चीज़ की जितना ही आप अपनी हेल्थ को बड़ा मुद्दा बनाओगे और चूज़ करोगे कि मुझे अब हील होना है मुझे वाइज अपनी बॉडी को अपने वेसल को रोशनी से भरना है यही प्रोसेस यही ऊर्जा आपको हर कदम के साथ इसकी तरफ लेकर जाएगा टेन ऑफ कप्स की तरफ टेन ऑफ okay तो हेल्थ को आपको बड़ा मुद्दा बनाना है अपना और खुद को हील करना है और उसके रिगार्डिंग अप्रोप्रिएट एक्शन लेने हैं ये मैसेज है आपकी इमोशनल बॉडी की तरफ से ओके लेट्स सी आपकी ब्लड लाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है फाइल नंबर टू की ब्लड लाइन से उनके लिए क्या मैसेजेस हैं इस जर्नी के बारे में स्पिरिट स्पिरिट सो ये की एनर्जी है यहाँ पर ये बात करती है कि जो पास्ट में हुआ उसको पास में छोड़ो और अब आगे बढ़ो अब नई ऊंचाइयों की तरफ यू नो आगे बढ़ो नई सक्सेस की तरफ आगे बढ़ो जो तुम्हारे साथ हुआ उसमें बैठे मत रहो इस इसकी आगे बढ़ो ऊपर उठो जो लो वाइब्रेशनल एनर्जीज़ हैं जो लो वाइब्रेशनल एक्सपीरियंसेस हुए अब उनको क्लोजर दे के आगे बढ़ो तो ये मैसेज आपकी ब्लड लाइन की तरफ से है आपकी ब्लड लाइन में भी हो सकता है कि इस एक इस एक चीज़ का इस एक इशू से बहुत गुजरी हो आपकी ब्लड लाइन चीज़ों को प्रोसेस नहीं कर पाना विश्वासघात हो सकता है बहुत हुआ हो या फिर कभी कभी हम डेथ को प्रोसेस नहीं कर पाते राइट तो वो ब्लड लाइन में एक कर्ज सा बनने लगता है प्रोसेसिंग का सो so, ब्लड लाइन की तरफ से बेसिकली यही मैसेज है पायल नंबर टू कि इट्स हाई टाइम कि फियर को प्रोसेस करो ओके okay? पेन को प्रोसेस करो यहाँ पर क्योंकि इसी के चलते आप यहाँ पर नई ऊंचाइयों तक पहुँच पाएंगे यू you नो know, आप बड़े शख्स बन पाएंगे आप अपने रुतबे को बड़ा कर पाएंगे बड़े स्टैरस तक पहुँच पाएंगे यहाँ पर फिलीन स्पिरिट जो है इंडिपेंडेंट एनर्जी को भी लेकर आती है तो अगर यहाँ पर बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंट मैनिफेस्ट करना चाहते हैं इस वन ईयर के टाइम पीरियड में भी इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं इतनी बनी चाहते हैं कि अपने खुद के खर्चे उठा सकें अपनी फैमिली को इनफ प्यार दे सकें तो यस आपके लिए अब है कि अपने लिए एक नया गोल सेट करो अब उसमें बैठे मत रहो जो तुम्हारे साथ हुआ थर्टीन थर्टीन पे दिखा मुझे आपके लिए फिर से ट्रांसफॉर्मेशन सो so, ऊपर uh, उठो ओके okay? uh, बड़े सपने रखो यहाँ पर बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचने की कोशिश करो कुछ लोगों के लिए कुछ लोगों के लिए तो लिटरली जैसे बड़ा स्टारस आपको जैसे बड़ा ड्रीम अपने लिए सोचने की जरूरत है अगेन यहां पर भी मुझे वही एनर्जी डिटेक, डिटेक्ट हो रही है कि इस पाइल के लिए जैसे बहुत कुछ बड़ा बड़ा सा है सब कुछ बड़ा बड़ा सा लेकिन इसे अनलॉक करने के लिए पहले आपको अपनी ये जो बेसिक रूट की एनर्जी है इसे ठीक करना होगा तभी आप अपनी एक बड़ी इमारत खड़ी कर पाओगे जैसे एक बड़ा घर होना बड़ा स्टारस यू नो बड़ी बड़ी चीज़ें होना जैसे हाई राइजिंग बिल्डिंग होती है ना <laughs> कुछ लोगों को वहाँ पर अपार्टमेंट भी मिल सकता है आई डोंट नो ये एक रैंडम सा मैसेज मुझे मिला बट येस आपकी ब्लड लाइन यही कह रही है कि इंडिपेंडेंट को इंडिपेंडेंस को चुनो यू नो फ्रीडम को चुनो यहाँ पर और बड़े शख्स बनो बड़े शख्स बनो बड़ा दिल लेकर आगे बढ़ो यू you नो know, तुम छोटे शख्स नहीं हो तुम बड़े शख्स हो बड़े बनो ये मैसेज हैं आपकी ब्लड लाइन की तरफ से तभी आप यहाँ पर पहुँच पाओगे इसी से ही देखते हैं कि डिवाइन टैरो बेसिकली आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं इस जर्नी के बारे में पाइल नंबर टू के लिए डिवाइन टेरो की तरफ से क्या मैसेजेस हैं ओह एक और मैसेज मिला मुझे पाइल नंबर टू आपकी ब्लड लाइन की तरफ से आपकी ब्लड लाइन की तरफ से ये ये, ये भी एक फियर हो सकता है उसमें कि जब भी आप जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक्शन लोगे तो आपके ऊपर कोई खतरा आएगा ये भी एक बिलीफ सिस्टम है जो आपको मिला है ओके और इससे आपको ऊपर उठना होगा और आपको यही बोल रही है आपके इंसेस्टर्स आपके ब्लड लाइन की नहीं तुम जब भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक्शंस लोगे तुम सेफ हो तुम प्रोटेक्टेड हो हम तुम्हें वो सुरक्षा कवच देंगे तुम्हें इस डर के साय में रहने की जरूरत नहीं कि जैसे ही मैंने कुछ अच्छा करने के लिए कुछ हील करने के लिए एक्शन लिया शेडो वर्क किया तो पता नहीं क्या भूचाल आ जाएगा पता नहीं क्या हो जाएगा नो no. अगर कुछ लोगों ने अपनी हीलिंग इस वजह से भी रोकी हुई है ना कि कुछ भी अच्छा करेंगे तो प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी चैलेंजेस आने शुरू हो जाएंगे नो आप प्रोटेक्टेड हो आप सेफ हो ये आपकी ब्लड लाइन का मैसेज है आपको विश्वास करना है बस और आगे बढ़ने के लिए एक्शंस लेने हैं ओके फाइल नंबर टू के लिए और क्या मैसेजेस हैं नाइन ऑफ सोट्स थ्री ऑफ विक्स ऑफ सोट्स एम द हो 69 नाइन की एनर्जी है सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स लेकिन नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर वोटेड है तभी यहाँ पर पीछे इम्बैलेंस की भी ऊर्जा आई थी राइट सो डिवाइन टैरो से सबसे पहले तो आपको यही बोला जा रहा है अपनी यिन एंड यांग अपनी डिवाइन फेमिनन एनर्जी और अपनी मैस्कुलन एनर्जी पर काम करो दोनों ऊर्जाओं को चैनल करो तुम्हें ज़्यादा मैस्कुलन भी बनने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा फेमिनन भी बनने की जरूरत बैलेंस में रहो जहाँ केयर जहाँ लव देना है वहाँ पर वो भी करो लेकिन जहाँ पर रूल सेट करने हैं जहाँ पर हेल्दी बाउंड्रीज के चलते नो no बोलना है येस yes बोलना है उसे भी करो क्योंकि कहीं ना कहीं आई थिंक बहुत सारे लोग इस माइल का फ़ायदा भी उठा लेते हैं और आप कहीं ना कहीं बोल नहीं पाते एक्सप्रेस नहीं कर पाते फिर से फियर की एनर्जी एंग्जाइटी की एनर्जी तो इस पायल के लिए ग्राउंडिंग ग्राउंडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है ओके okay? ग्राउंडिंग के चलते अगेन आप नेचर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं यहाँ पर आप यहाँ पर यू um, नो you know, um, छोटी मोटी जो ट्रैवल होती है उसे भी कर सकते हैं मन की शांति के लिए किसी टेंपल किसी सेक्रेट स्पेस पर जा सकते हैं पानी के साथ अपने कनेक्शन को और मज़बूत करने की कोशिश करना नहाते वक्त थोड़ा सा स्पिरिचुअल एनर्जीज़ में टैप इन करना मेडिटेट करने की कोशिश करना ये सब चीज़ें आपको जो है और ग्राउंडेड एनर्जीज़ में आने में मदद करेंगी ओके okay? क्लीनिंग करना बहुत ग्राउंडेड होता है वो हमें बहुत ग्राउंडिंग एनर्जी से भरता है तो साफ सफाई कीजिए अपनी कुकिंग अगर आप खुद नहीं कर रहे हैं तो कुकिंग करने की कोशिश कीजिए ये सारे प्रोसेस भी जो हैं, ये बहुत सारी डोरमेंट एनर्जीज जो है ना आपके अंदर उनको बाहर लेकर आएंगे बहुत सारी चीजें हैं आपके अंदर जो बाहर आना भी चाहती हैं, टैलेंट्स आपके यू you नो know, कुछ लोग शायद अवॉइड करते हैं कैमरे के सामने आना लेकिन हो सकता है कि आपकी डेस्टिनी कैमरे के सामने आने की है कि नो आपको शायद खाना बनाकर यू नो एक बड़ा शेफ बनना आपकी डेस्टनी हो सकती है बड़ा आर्टिस्ट बनना आपकी आपकी डेस्टनी हो सकती है इस चीज़ की ये ऊर्जा की वजह से जो आप करना चाहते हो वो वो चीज़ें अधूरी हैं वो आप सोच रहे हो लेकिन आप कर नहीं पा रहे वो इम्बैलेंस की वजह से है तो वो एक्टिविटीज कीजिए जिससे आपको थोड़ा सा ग्राउंडेड महसूस हो ओके सर में तेल भी लगाना बहुत अच्छा होता है तो ये एक मैसेज है और दूसरा आपके लिए ये है कि विद विद्री ऑफ वॉन्स विजन्स यू नो प्लान्स बनाओ विजन सेट करो अगर आपके पास फ्यूचर को लेकर एक विजन ही नहीं है तो फ्यूचर की अननोन की एनर्जी आपको तंग ही करेगी आपको फ्यूचर अननोन का ही दिखेगा और फिर आपको ये सताएगा कि हाय पता नहीं क्या होगा मेरे साथ पता नहीं मेरी लाइफ कहाँ रही है जिस पर्सन के पास विजन है ना कि मुझे मेरा फ्यूचर ऐसा, ऐसा 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 चाहिए ये ये मेरी ड्रीम रियलिटी है उसके लिए अननोन के साथ डील करना भी इजी होगा तो अगर आपको अननोन से डर लगता है फ्यूचर सताने लगता है कि फ्यूचर में खर्चे कैसे हो निकलेंगे ये कैसे होगा वो कैसे होगा सब हो जाएगा बस एक विजन बनाओ अपना एक ड्रीम ड्रीम अपना क्रिएट करो अपनी फ्यूचर की जो एक लाइफ है ना उसको उस पर डिटेल्स ऐड करो कि मुझे ये चाहिए मेरे मेरे साथ ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है ये पोटेंशियल मेरे लिए अवेलेबल है और बस ट्रस्ट करो ओके ट्रैवल डेफिनेटली आपके लिए आ रही है कि ये एनर्जी तक पहुंचने के लिए ट्रैवल की एनर्जी को चैनल करना टिकट्स बुक करना होटल्स बुक करना बाहर निकलना और फ़ोन को स्विच ऑफ़ करना ये सारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज भी आपकी मदद करेंगी इस ऊर्जा तक पहुंचने के लिए और हर्मिट कार्ड फिर से इसी चीज़ का रिमाइंडर है थोड़ा सा इनर वर्क लगेगा आपको अपनी शेडोज़ को एड्रेस करना होगा हु एम आई मैं कौन हूँ मेरा पर्पज़ क्या है मेरा मकसद क्या है यू you नो know, मैं क्या दे सकता हूँ मैं क्या एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ ये सारे क्वेश्चंस का वर्क करना भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ओके okay? इसी से ही जो ये इतनी गहरी इंटेंस बातें हैं उसको यहाँ पर एंड करते हैं और अब देखते हैं कि ये जो आने वाला एक साल का टाइम पीरियड है इसमें कौन से मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं और क्यों ओके सी पहले तो महीने देखते हैं पाइल नंबर टू के लिए जुलाई नवंबर एंड अप्रैल जो कि आने वाला महीना है बेसिकली सो अप्रैल 2024 और फोर और आई मीन 2024 का अप्रैल जुलाई और नवंबर ये महीने आपके लिए सिग्निफिकेंट हैं। देखते हैं कि इनमें कौन सी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। थैंक यू हम्म hmm. सबसे पहले तो यहाँ पर मनी दिख रही है कि मनी का कोई ना कोई पैथ कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी करियर से जुड़ी हुई जॉब से जुड़ी हुई ये आपके सामने आ सकती है इन इन ये जो महीने हैं इसमें से ओके okay? फिर है आपके लिए अ गोल ओरिएंटेड पर्सन मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर इन महीनों में अगर आपका कोई ऐसा गोल आपने सेट किया हुआ है या किसी आप गोल को अपना टाइम देते हो अपनी एनर्जी देते हो अपना हार्डवर्क करते हो तो आपको उसमें भी सक्सेस मिलेगी ओके okay? एक चीज ये है और एक कार्ड और लेंगे हैप्पीनेस और आपको बहुत सारी हैप्पीनेस मिलेगी ये आत्मिक सुख है ये बर्ड जो है ये बेसिकली आत्मिक सुख के बारे में बात कर रहा है ओके okay? सो so ये कुछ ब्लेसिंग्स है आपकी और अब हम देखते हैं कि ये जो टेंटन की एनर्जी है ये आपके लिए कैसे अनफोल्ड होगी जब आप ये पूरा इनर वर्क करोगे ओके सो लेट्स नंबर टू स्टेपिंग इन टू अव एक्सपीरियंस सब कुछ नया नया सा नई लाइफ हो जैसे ऐसे एक्सपीरियंसिस जो अभी तक शायद आपने एक्सपीरियंस किए ही नहीं है ट्रेवल हो सकती है यहाँ पर नए लोगों से मिलना नई जगह पर कनेक्ट होना नया फूड भी हो सकता है ओके इस चीज़ की जैसे सब कुछ नया नया सा हो एलिफेंट फिर से जर्नी की एनर्जी तो डेफिनेटली वेकेशन और जर्नी तो पक्का आपको मिलेगी ये एनर्जी जो है इस तरीके से आपके लिए अनफोल्ड होगी वाओ माई गॉड लुक ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स एंड ऑब्स्टिकल तो जो भी आपकी मुश्किलें हैं चैलेंजेस हैं उस पर आपकी विजयी होगी अंत में बोलते हैं ना कि जीतोगे आप वो वाली एनर्जी है पायल नंबर टू रोमांस रोमांस के रूप में आपके जीवन में रोमांटिक रिलेशनशिप आएगा अगर ऑलरेडी है तो और रोमांस बढ़ेगा गॉड लक गोल्ड एन एग सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान एंड हार्ड वर्क तो मेहनत करोगे प्लानिंग के साथ आगे बढ़ोगे तो सक्सेस हंड्रेड परसेंट निश्चित है बेसिकली ये कार्ड ये बोल रहा है केयर फ्री टाइम वही चीज स्विच ऑफ कर पाना स्ट्रेस से यू you नो know, और कनेक्ट कर पाना और सिंपली uh, एग्जिस्ट कर पाना एंजॉय कर पाना लाइफ को हैप्पीनेस फिर से एक कार्ड और लेंगे हम्म hmm. नेस्ट की एनर्जी तो घर का मुझे डेफिनेटली दिख रहा है कि इस पाइल के लिए घर है आप नेक्स्ट वन ईयर में अपने नए घर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं एन इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज इम्पोर्टेंट टू यू ये भी लगता है कि आप अपने फैमिली रिलेशनशिप्स को भी हील कर पाओगे सिक्योरिटी हैप्पीनेस उसमें क्रिएट कर पाओगे ओके ऑल राइट पाइल नंबर टू ये है आपकी रीडिंग जो कि बहुत ब्यूटिफुल रीडिंग है प्लीज इसे लाइक like कीजिएगा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा और हाँ ट्वेंटी नाइन्थ मार्च से मेरा 8th टेरो कोर्स आने वाला है गाइस ये साल का नंबर भी आठ है है ना और इस रीडिंग की एनर्जी भी हमने आठ नंबर की ही डिसाइड की है आठ uh, मार्च 2024 से लेकर आठ मार्च 2025, हज़ार right? राइट तो इस महाशिवरात्रि की जो ब्यूटीफुल एनर्जी है इसे क्लेम करते हुए मैंने ये 8th टेरो कोर्स की इंटेंशंस को सेट किया है तो यस अगर आप मुझसे टैरो सीखना चाहते हैं सिम्बलिज्म से कनेक्ट करना चाहते हैं टहरो क्या है कैसे काम करता है या कैसे आपकी लाइफ को बदल सकता है ये सब चीज़ें अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं ओके एट्थ टैरो कोर्स है हम पहले सात कोर्सेज कर चुके हैं बहुत सक्सेसफुल वर्कशॉप है ये मेरे इस चैनल की तो यस yes, आपका तहे दिल से स्वागत है इन्फिनिटी को क्लेम कीजिए बैलेंस को क्लेम कीजिए आठ नंबर की इस ब्यूटीफुल प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी को क्लेम कीजिए और आप चाहें तो इस आ, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और उसके लिए आप मुझे ईमेल करें आई हिल टेरो एट जी मेल डॉट कॉम पर वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ओके okay? तो यस थैंक यू सो मच मेरे साथ मेरे साथ आज टाइम स्पेंड करने के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा टेक केयर बाय